एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो आज हम देखेंगे लव मैसेजेस, देखते हैं क्या लव मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। फोकस कीजिएगा, चाहे आप कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, लेस कम्युनिकेशन है या नो कम्युनिकेशन है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में, हम ये देखेंगे क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। पहली एनर्जी है ना यहाँ पे हमारे पास, वो है हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि डीप हर्ट हो आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही सेपरेशन में हो, दोनों की सिचुएशन जो है यहाँ पे ब्रेकअप की है। ओके, एंड फीलिंग लॉस्ट, और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है आप दोनों की। माइट भी आप लोगों की शादी की बात होते होते रह गई है ड्यू टू फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या आपके पार्टनर की कहीं और मैरिज हो रही है, या आपकी कहीं और मैरिज हो रही है। ओके, या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिड भी है। देखो मेरे पास ऐसी वाइब्स आ रही हैं जो हार्ट ब्रोकन की है, पेनफुल है यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है यहाँ तो आप लोगों में से कोई एक पर्सन मैरिड है या किसी एक की फोर्सफुली कहीं और मैरिज सेटल होने जा रही है या हो रही है। ओके, जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। फोटोग्राफ्स आप एक दूसरे की देख रहे हो, कुछ आपका पार्टनर भी नहीं है और आप भी नहीं हो, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फोटोग्राफ्स आपके पास भी हैं, आपके पार्टनर के पास भी हैं, जो आप एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को थ्रू फोटोज़ यानी कि लाइक फ़ोटो टेक्निक यूज़ की जा रही है, या तो फ़ोटो रख के बातचीत की जा रही है, कुछ ऐसा है। फ़ोटोज़ बहुत देखी जा रही है, पास्ट की मेमोरीज़ में हो आप दोनों, एक दूसरे को बेतहा मिस कर रहे हो, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो। ओके, सेपरेशन है, डेफिनेटली पेन में हो और एक दूसरे से बातचीत भी बंद है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे की तस्वीर है। यहाँ हो सकता है आपने कोई सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट अपलोड की है, या आपके पार्टनर ने की है, तो आप शायद उस तस्वीर को देख के या पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हो बार बार, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो। खुश आपका पार्टनर भी नहीं है। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है दी मास्क। ओके, देखो अगर एक पर्सन ऐसा भी है जो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर डीप इनसाइड बहुत सैड है, या आप सैड हो, बट आप लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट अपलोड कर रहे हो जिसमें आप ये शो कर रहे हो कि आप लोग बहुत खुश हो। ओके, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से। एंड किसी किसी के लिए तो मुझे ये देखो एक्स पर्सन दिख रहा है आपका, एक्स पार्टनर, या ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेटेड हो आप लोग एक दूसरे से और बातचीत बंद है, और एक दूसरे को आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, जिसकी वजह से आप लोग बात तो नहीं कर रहे लेकिन एक दूसरे को शो कर रहे हो कि आप दोनों जो अपनी अपनी लाइफ में जो है वो खुश हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, एक वो या तो जो लोग सेपरेटेड हैं और मैरिज सिचुएशन है, और एक ऐसी है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और एक दूसरे के साथ आप लोग गेम खेल रहे हो एक मास्क की तरह के, हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बातचीत करो या ना करो। ओके, बट क्या है, आप लोग हैप्पी हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। दो तरह की एनर्जी जिसको मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। ओके, क्लॉक, ओके, नीड टाइम, टेक टाइम, इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील प्रोसेस। ओके, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में, आई थिंक इसमें आप लोगों ने शायद दोनों ने ही ब्रेक लिया है, और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बीइंग द टाइम आप लोगों की चीज़ों को हील करेगी, चाहे ये ब्रेकअप सिचुएशन हो, चाहे सेपरेटेड हो, चाहे बातचीत बंद है, उसमें चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा समय, थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, क्योंकि हमारे पास है दी फोनिक्स, आप लोगों का कनेक्शन जो है इस पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम एनर्जी है, आप लोग बहुत जल्दी एक न्यू फेस में जाने वाले हो जिसमें ग्रोथ भी होगी, आप दोनों के माइंड भी चेंज होंगे। ओके, और आपको क्या बनाना है यहाँ पे, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग,
ओके, किसी किसी के लिए न्यू लव भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है आने वाले टाइम में। माइट बी अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो वो कोई कार्मिक सिचुएशन था, तो अब आप अपनी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है जो पास्ट पर्सन है। इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, स्टबर्न इन द बैक। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की सेपरेशन के पीछे, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, पेन। ओके, शॉकिंग अट्रैक्ट हो सकता है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ आपको मिली हो आपके पार्टनर की तरफ से, आपको नहीं मालूम हो कि आपके लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो, सडनली आपको पता चला हो किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला हो, या आपने सोशल मीडिया पे स्टॉक किया हो तो पता चला हो, तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। बट आप बहुत जल्दी अपने हार्ट को जो है वह हील कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त ही हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन में रहोगे, बहुत जल्दी आपका जो है वो हार्ट हील होने वाला है। आप इस ब्रेकअप सिचुएशन, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बहुत जल्दी बाहर निकल के आओगे। एंड द गोल्डन मिरर। ओके, आपको इस वक्त जो ज़रूरत है ना, आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। जितना जितना आप अपनी लाइफ पे और अपने खुद पे सेल्फ लव करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। चैनल पे ओनली फ्राइडे को हम करते हैं लाइव सेशन, जिसमें मिल जाती है आपको अपनी पर्सनल रीडिंग। डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मुझसे अपनी रीडिंग लेनी है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा चैनल पर।